नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, बंगाली समुदाय को दी ये सौगातें। 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे, हम इस दिन को कभी नहीं भुला सकते। ये वो काला दिन है जब मजहब के नाम पर देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 14 अगस्त के इस दिन लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा। भारत के लिए यह दिन किसी विभीषिका से कम नहीं है, यह बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में कही। आराकोट बंगाल में बारिश ने फिर मचाई तबाही, दुचाणु खंड में एक महिला बही, दो लोग घायल। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे आराकोट बंगाल क्षेत्र पहले ही आपदा की मार झेल रहा है, अब एक बार फिर से क्षेत्र में बारिश का कहर देखने को मिला है। दुचाणु खंड के सैलाब में एक महिला बह गई जिसकी खोजबीन जारी है, वहीं दो लोगों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन गाय और बकरियां बह गई। नदियों के चैनलाइज नहीं होने से आबादी क्षेत्रों में घुस रहा पानी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में बारिश ने सभी को बेहाल कर रखा है, नदियों का पानी भी आबादी वाले क्षेत्रों में घुस रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने नदियों को चैनलाइज नहीं किया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। देशभक्ति में डूबा हल्द्वानी, खादी के तिरंगे की बड़ी मांग, मेरठ और नांदेड़ से पूरी की जा रही खपत। देश मंगलवार 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, इसे लेकर अभी से क्रेज देखा जा रहा है। हल्द्वानी में भी बाजार तिरंगों से पटे नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी की गांधी आश्रम में खादी तिरंगे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि खपत पूरी करने के लिए बाहरी राज्यों से तिरंगे मंगाने पड़ रहे हैं। गैरसैंण के पजाना में कारगिल शहीद को किया याद, गांव में निकाली तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन वीर शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। गैरसैंण के पंजाड़ा गांव में कारगिल शहीद कृपाल सिंह को याद किया गया। उनकी याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर में तिरंगा झंडा फहराया गया। श्रीनगर में अलकनंदा नदी के जलस्तर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इस बार की बारिश और बाढ़ ने श्रीनगर के लोगों को 2013 की आपदा की याद दिला दी है। अलकनंदा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि खतरे का निशान 1 मीटर नीचे छूट गया, सभी घाट जलमग्न है। रोड की बेलड़ा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बुजुर्गों को लगी गोली, हायर सेंटर रेफर। मामले बात पर बेलड़ा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि वाद के दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी जो एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में जा लगी। गोली लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत करवाया। पुलिस ने घायल को रोड की के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने भारी पुलिस बल को तैनात किया है। रौद्र रूप में बह रही अलकनंदा, धारी देवी मंदिर पर मंडराए खतरा, याद आई केदारनाथ आपदा। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है, जिसके कारण इसके किनारे बसे लोगों की जान पर बनाई है। वहीं उत्तराखंड की रक्षक धारी देवी का मंदिर भी खतरे की जद में आ गया है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण धारी देवी मंदिर के पिलर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। धारी देवी मंदिर के आसपास के इलाके भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। नदी से पहले साल 2013 में आई आपदा के दौरान ऐसे हालात बने थे, तभी भी अलकनंदा नदी ने जमकर कहर बरपाया था। अब एक बार फिर से अलकनंदा नदी उफनाई है, जिसके कारण हर जगह जल प्रहार देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी सोनू धारी ने बताया कि नया मंदिर तो बनाया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास कोई सुरक्षा दीवार नहीं है, जिसके कारण कभी भी धारी देवी मंदिर परिसर को खतरा हो गया है। बता दें कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर 537 मीटर पर बह रही है, जिसके कारण निचले इलाके में हालात बिगड़ रहे हैं। बारिश से हाहाकार, ऋषिकेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया। वहीं ऋषिकेश के शिवाजी नगर में रम्बा नदी उफान पर आने से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिस कारण लोग रात को ठीक से नहीं सो पाए। लोगों का कहना है कि आज से पहले रम्बा नदी का ये रौद्र रूप देखने को नहीं मिला। हल्द्वानी में सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस। आर्मी कैंट में तैनात तेलंगाना के जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। जवान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आवास विकास में किराए में रहता था, जहां जवान का शव घर में फंदे में लटका मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। कलसिया नाले का जलस्तर बढ़ने से फंसी कार, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। केदार घाटी में फटा बादल, केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचोली में फटा बादल, एक दुकानदार लापता, नेपाली युवक का मिला शव। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचोली के पास बीते देर रात बादल फटने के बाद बड़ी तबाही मची है। बादल फटने से टेंट में सो रहे करीब 6 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं छावनी कैंप में 4 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बेलनी पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर अलकनंदा नदी में डूब गया है।
भारी बारिश से डोईवाला में मकान का हिस्सा गिरने से फंसे 5 लोग बामुश्किल किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। वहीं डोईवाला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। डोईवाला बुल्लावाला गांव में मकान का एक हिस्सा गिरने से परिवार के 5 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू किया। देहरादून के गली मोहल्ले होंगे चकाचक, हर घर में उठेगा कचरा, नगर निगम ने कसी कमर। देहरादून नगर निगम ने शहर को चकाचक बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। इसके तहत लोगों के घरों से निकलने वाला कूड़ा का सही ढंग से निस्तारण किया जाएगा, साथ ही इस काम में एनजीओ की भी मदद ली जाएगी। काश ऐसे डीएम हर जिले में होते, प्रशासनिक कार्यों के साथ मरीजों का करते हैं उपचार। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मरीजों का उपचार भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को जिले में अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल गई है। डीएम सौरभ गहरवार रविवार के दिन जिला चिकित्सालय में मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अटल उत्कर्ष विद्यालय की परफॉर्मेंस खराब, सीबीएसई बोर्ड से परहेज कर रहे शिक्षक, अब रखी ये मांग। उत्तराखंड में कभी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि रहा अटल उत्कर्ष विद्यालय, अब बड़ी चिंता का सबब बन गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विद्यालय सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के अधीन तो कर लिए, लेकिन इसका रिजल्ट उम्मीद से बेहद खराब रहा। खास बात यह कि इन विद्यालयों के शिक्षकों ने भी सीबीएसई बोर्ड से दूरी बनाने का मन बना लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सामने अपनी बात भी रख ली है। किशोरी को पहला फुसला कर अपने घर ले गई महिला, दोस्त से करवाया रेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पहले महिला ने स्कूल जा रही किशोरी को बहलाया, फिर अपने साथ लेकर निकली। इसके बाद महिला ने किशोरी को अपने पुरुष दोस्त को सौंप दिया, जहां दोस्त ने किशोरी का रेप कर दिया। मामला ऋषिकेश का है। अब किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के एसआई भगवान सिंह को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी ने दी बधाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के पुलिस के उपनिरीक्षक भगवान सिंह मेहर को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पदक गृह मंत्रालय भारत सरकार के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें ऑनर किलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के लिए किया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने उपनिरीक्षक भगवान सिंह मेहर को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है। चमोली में उफनाए नदी नालों ने मचाई तबाही, कई मकान और गाड़ियां मलबे में दबे, पुल बहे। उत्तराखंड के चमोली जनपद में रविवार रात से शुरू हुई भारी बारिश आज भी जारी है। जनपद के थराली, नंदानगर और पीपलकोटी क्षेत्र में नदियों के साथ ही गाढ़े नदेरे उफान पर बह रहे हैं। सबसे अधिक नुकसान थराली में हुआ है। यहां थराली गांव और केरा गांव में कई मकान व गौशालाएं मलबे में दब गई, कई जगह छोटे पुलों को भी नुकसान हुआ है। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों ने रात घरों से बाहर रहकर बताई। चमोली पुलिस ने नदी किनारे रहने वाले थराली, नारायणबगर, कंटप्राग और उससे नीचे बसे लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं कंटप्राग में अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। टिहरी, बारिश के बाद शिवपुरी टनल में अचानक भरा पानी, अंदर फंसे 114 इंजीनियर व मजदूर एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सोमवार को टिहरी में शिवपुरी टनल के अंदर अचानक पानी भर गया। इस दौरान वहां काम कर रहे 114 इंजीनियर व मजदूर अंदर ही फंस गए, जिन्हें एसडीएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बागेश्वर उपचुनाव 2023, कांग्रेस ने आप छोड़कर आए बसंत कुमार पर खेला दांव, घोषित किया प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बसंत कुमार को कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसकी घोषणा की। बता दें कि रविवार को ही बसंत कुमार और 2022 के चुनाव में बगावत का निर्दलीय ताल ठोकने वाले भैरवनाथ टमटा रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए थे। सीएम धाम ने ली हाई लेवल मीटिंग, चार धाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उपजी आपदा की स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने आज सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों व वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए चार धाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अन्य जगहों पर भी मौसम के अनुरूप ही यात्रा करें। गुस्से में कुदरत, उत्तराखंड में नदियों का दिखा रौद्र रूप, कई जगह मकान व पुल बहे, कई लोग मलबे में दबे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश खूब कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर है, जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर मलबा फैल गया है। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में घर बह गए, कई जगह पुल भी टूटे। उधर मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंबा और उधम सिंह नगर जिले के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुरोला में पिरुल से तैयार की जा रही इको फ्रेंडली राखियां, आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। उत्तरकाशी में पिरुल से स्पेशल राखियां तैयार की जा रही हैं। ये राखियां अपने आप में बहुत खास हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में महिलाएं ये स्पेशल राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों में सिंगल डोर वाली राखी की कीमत 20 रुपए और डबल डोर की कीमत 25 रुपए रखी गई है। बैंक अधिकारियों समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 लाख का लोन रिकवरी सुन, ग्रामीणों को 2 बार आ चुका अटैक।
लक्सर में बैंक के दो अधिकारियों और एक ग्रामीण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला अन्य ग्रामीण के नाम पर 5 लाख रुपए की लोन लेने से जुड़ा है। अब उसे रिकवरी के नोटिस समाये जा रहे हैं, जिसके चलते उसे 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर बैंक कर्मी समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक